गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं 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 अतुल जी को चुप करा लीजिए, बड़े सम्मानित हैं। मैं चुप क्या कर दूं, चुप चुप तो मैं मुदिया को कराता हूँ, आपको क्या चुप कराऊंगा। तमीज से बात करिए, तमीज से तुम पलटू राम कह रहे हो ना उसको। अंजना जी मैंने क्या बात, दोगला चरित्र तो इस देश के लोगों ने देख लिया गौरव जी, दोगला चरित्र तो देख लिया। हमने अक्सर भाजपा नेताओं को डिबेट में विपक्षी नेताओं पर हावी होते देखा है, पर ऐसे भी कुछ डिबेट्स होते हैं जिनमें विपक्षी नेता भी भाजपा नेताओं को खरी खोटी सुना देते हैं। आज की वीडियो में हम बात भाजपा नेता गौरव भाटिया की करेंगे और उनके कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उनके सवालों पर उन्हें करारे जवाब मिले हों। आज तक की एक डिबेट में एंकर ने कांग्रेस नेता से सवाल किया, पर उनके जवाब देते समय भाजपा नेता बीच में टोकने लगे, जिस पर कांग्रेस नेता ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तभी दोनों के बीच में बहस हो गई। तमीज औरत, प्लीज प्लीज तमीज औरत, हटो यहाँ से, चलो प्लीज। सबके परिवार ओछी टिप्पणियां करती हो, हटो यहाँ से बदतमीज औरत, प्लीज बंद कीजिए। तुम्हारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो पप्पू। गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं मैं दांत नहीं पेट पे हाथ नहीं दुबारा करूंगा। केजीओ की तरह रोन रही है तुम्हारी पार्टी, कही की नहीं रही। तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल 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 तरीके दीमक की तरह देश को खाते हो। मेरे पिता पे ना आना, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी माता। आज तक पर वैक्सीनेशन के मुद्दे पर डिबेट हुई। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने अपने जवाब में कुछ आंकड़े दिए, जिस पर भाजपा नेता ने एतराज जताया। इसके जवाब में अतुल अंजान ने उन्हें उन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान सुनने को कहा, जिसके बाद गौरव भाटिया बार बार उन्हें टोकते रहे, लेकिन अतुल अंजान ने गौरव को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, अरब में आपसे पूछा, पैसा नहीं है? 58,000 करोड़ रुपया WHO ने दिया है भारत सरकार को वैक्सीन के लिए, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, वो पैसा कहाँ गया बताइए गौरव भाटिया? प्रधानमंत्री केयर फंड का सोर्स पैसा बता दे, कहाँ है ये रिपोर्ट जो 58,000 करोड़ वाली है? सोर्स आप WHO की वेबसाइट पर चले जाइए और देख लीजिए। नहीं ऐसे चले जाइए और देख लीजिए, ये तरीका मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इस देश के अंदर सच बोलने का ठेका प्रधानमंत्री ने ले रखा है क्या? उनसे ज्यादा सच में बोलता हूँ मैं, उधर उधर की बात नहीं बोलता। मैं उत्तर दे दूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं बोलता हूँ, जरा पता कर लीजिए। हर्षवर्धन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अतुल जी को चुप करा लीजिए, बड़े सम्मानित हैं। मैं चुप क्या कर दूं, चुप चुप तो मैं मुदिया को कराता हूँ, आपको क्या चुप कराऊंगा? तमीज से बात करिए, तमीज से तुम पलटू राम कह रहे हो ना उसको। नहीं राहुल गांधी तमीज से बात करिए। आज तक पर फ्री राशन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने आप नेता संजय सिंह से उनकी फ्री राशन की स्कीम को लेकर सवाल किए, जिस पर संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इसके जवाब में भाजपा नेता गौरव भाटिया बात को गोल गोल घुमाने लगे, तभी संजय सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गरीबों के लिए राशन मिले, ये तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है। जो राशन हम लोग दे रहे हैं 26,000 करोड़ हाँ। का जो है राशन, और मुफ्त में मिलेगा 80 करोड़ गरीब जो है उनको, ये हमारी केंद्र सरकार की ही योजना है। और ये गौरव भाटिया जी जैसे समझदार आदमी इतने नादान क्यों बन रहे हैं? अरे भाई, राज्य के पास वितरण की व्यवस्था होती है, कैसे राशन को वितरित करना है ये राज्य सरकार का अधिकार है। इसमें आप कोई नियम जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते। हम राशन को किस तरीके से वितरित करेंगे, इस पर अगर हम कोई नियम बना रहे हैं तो ये हमने कौन सा संविधान पलट दिया? राशन माफियाओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए तो कौन सा संविधान पलट दिया? तो APMC एक्ट को आपने कहा कि हम हटाएंगे, और बाद में जब संशोधित किया गया तो आपको दिक्कत हुई। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे। अंजना जी मैंने क्या बात, दोगला चरित्र तो इस देश के लोगों ने देख लिया गौरव जी, प्लीज दोगला चरित्र तो देख लिया। संजय भाई, न्यूज 18 पर भी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने आप नेता से कुछ सवाल किए, आप नेता कुछ तथ्य आंकड़ों के साथ सामने रखने लगे, जिस पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने एतराज जताया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मेरा आपसे सवाल है वैक्सीन पे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 1,34,00,000 हमने ऑर्डर करी है, वो ऑर्डर कब करी, किस तिथि को, और वो अग्रीमेंट कहाँ है वो दिखाइए।
जो संजीव 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 ठीक है संजीव 10 सेकंड संजीव 10 सेकंड 10 सेकंड संजीव रिप्लाई संजीव 10 सेकंड रिप्लाई देखिए मैंने एक चीज बताइए कि आज अगर हमें 8 लाख वैक्सीन मिला उसी कंपनी 8 लाख वैक्सीन किस बेसिस पे दिया जो हमने परचेज किया जो हमने परचेज नोट दिया था उसी के बेसिस पे 8 लाख मिला और हमें ये कहा जा रहा है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर आपको देंगे अरविंद केजरीवाल मजे की बात है कि स्टेट के तो नहीं मिल रहा दिल्ली लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है तो उन्होंने कहा जब आपके पास वैक्सीन नहीं था स्टेट से दोगुना प्रॉफिट होगा सेंटर के पॉलिसी आप जनता का 1000 करोड़ रुपया आपने इश्तिहार में खर्च कर दिया डिबेट का असल मकसद जनता के परेशानियों पर बात करना होता है पर डिबेट में जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग होता है ऐसा नहीं लगता कि जनता के परेशानियों पर कोई खुल के बात हो सकेगी या उनका हल निकाला जा सकेगा पंजाब टुडे रिपोर्ट Like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.